हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का टेकी सौरभ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप किसी के भी अकाउंट नंबर से उसकी बैंक डिटेल पता कर सकते हैं कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं या फिर कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे कटे हैं, सारी चीज़ें आप उसके बैंक अकाउंट से ही देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि आपके पैसे आते हैं लेकिन आप उसे चेक करने के लिए बैंक पर जाते हैं और बैंक पर जाकर लंबी लंबी लाइन में लगाकर बैंक अकाउंट नंबर, मतलब कि बैंक में कितना पैसा है, ये चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा, इसकी मदद से आप अपने फोन में ही किसी के भी अकाउंट नंबर से पता कर सकते हैं कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे कटे हैं, सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन से ही चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी के भी अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए और आप किसी के भी अकाउंट नंबर से उसकी बैंक डिटेल या फिर मतलब कि बैंक में बैलेंस कितना है, ये सारा चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप किसी का भाई बैंक अकाउंट नंबर से उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है लाल वाले बटन को दबाकर। फिर आपको इस घंटी के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना है। यहाँ पर आपको घंटी के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे जाकर एक कमेंट करना है। यहाँ पर आपको लिख देना है बैंक बैलेंस और आपको इस कमेंट को यहाँ से सेंड कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको वीडियो के टाइटल के ऊपर क्लिक करना है, जो कि वीडियो का टाइटल होता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों, यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और इस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि ऑफिशियल सरकार की वेबसाइट है। इसमें कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं है, ये कि भारत सरकार की वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है उस लिंक के ऊपर क्लिक करके। अब दोस्तों, यहां पर आपको बैंक का नाम डालना है कि आपके बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, स्टेट बैंक में है, बड़ौदा में है, पीएनबी में है, जहां भी आपका अकाउंट है वहां पे आपको यहां से सर्च कर लेना है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर आपको सर्च करना है अगर आपका स्टेट बैंक में खाता है। अगर किसी दूसरे बैंक में खाता होगा तो यहाँ पर आपको उसे सर्च कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद फिर से आपको अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा दिख रही है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर नीचे डालना है। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको सारी चीज़ें सही से डालनी है और ये मेनली ये कैप्चा कोड ध्यान से डालना है। कैप्चा कोड अगर आप गलत कर देते हैं तो आप किसी के भी अकाउंट नंबर से उसके बैंक बैलेंस चेक नहीं कर सकते हैं। तो आपको सारी बातें ध्यान देनी है और आपको सही सही चीज़ें डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो उसकी बैंक की सारी बैलेंस शीट आ जाएगी, कितना पैसा आया है, कितना पैसा कटा है, कितना पैसा अभी है, सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन में बैंक अकाउंट नंबर से ही पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप बैंक अकाउंट नंबर से बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।